ठीक है, आपने उसको ओपन करना है, यहाँ से जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पॉट हेलिंग है, ठीक है, ये ब्रश टूल, ठीक है, ये ब्रश टूल लिखा हुआ है, आपने ब्रश टूल को जो है वो चूज कर लेना है, राइट क्लिक करना है और इसका साइज थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लेंगे राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको फुल ब्लैक कर सकता हूँ, अब ये मैंने फुल ब्लैक कर दिया, लेकिन इसका क्या आपको इश्यू आ रहा है कि आपकी पिक्चर गायब होगी। देखो आपने देखा है, ठीक है, ये ले रहे पिक्चर की, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आना है, ठीक है, ये फंक्शन आप देखते ही जाइएगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक में आएंगे और इसका स्ट्रोक अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो ये देखिए स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब कलर क्योंकि ब्लैक है, कलर आपने अपने लिहाज से करना व्हाइट, ये देखिए अब व्हाइट किया तो ऑटोमेटिकली ये देखिए स्ट्रोक इसका बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आउटर ग्लो होता है, इसका भी ऑप्शन अच्छा होता है, ये भी आप व्हाइट कर दें, और अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो ये देखना ये चेंजेस आ रही है, ठीक है। और अगर इसको बंद करते हैं स्ट्रोक को और आउटर ग्लो लगाते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज होती है। लेट्स सपोज मैं ये लगा देता हूँ, यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया, ये अच्छा लग रहा है हमें। अब हमने क्या लिखना है, क्यों वहां पे लिखा हुआ था क्रिएट प्योरी लिखा हुआ, तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, ठीक है, टी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट, ठीक है, पियोनीर अकाउंट। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख तो दिया है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्रिएट पियोनीर अकाउंट कहाँ पर लिखा है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी लिखा होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, ये आप यहाँ पे माउस है ना, यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट है तो इसका मैं कलर येलो कर दूंगा टेक्स्ट का। तो अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया है और